भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यमुना मैया की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम सबका अंतःकरण वृंदावन की पावन पवित्र भूमि बने, जिसमें नंद नंदन यशोदानंदन व्रजजन वंदन रास रस का रस स्वादन करें, इसके लिए हम सब मिलकर के रास राशेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानंदिनी के श्री चरणों में चलें। ऐसा लगे कि कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी बह रही है और कालिंदी के कुल में सुंदर दुकुल धारण किए हुए श्री व्रजेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानंदिनी श्यामाजू विराजमान हैं। हम उन्हें निहार रहे हैं, वो हमें निहार रही हैं। आओ हम सब भावपूर्ण हृदय से उन्हें निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प उनके श्री चरणारविंदों में समर्पित करें। सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से पहले हम श्यामाजू की स्तुति करें, उसके बाद गोपी गीत के पावन पवित्र प्रवाह में अपने चित्त को प्रभावित करें। पहले श्यामाजू की मधुमयी स्तुति। राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो वयस की थो
की जय, कृपा की खो। श्री राधे की जय, कृपा कृपा की खो।
श्री राधे। हे श्रीजू, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पामरों को प्यार मिलता हो, पतितों को सत्कार मिलता हो। आपके श्री चरणारविंदों में यह पतित पहुंच गया है। अब श्री चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है, आपने जैसी अनोखी कृपा इस पतितों के सरदार पर की है, बस आपकी कृपामयी दृष्टि, करुणामयी दृष्टि सदा यूं ही बनी रहे। हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य के चिंतन में सतत यूं ही बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे सांवरे सलोने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं। ये संपूर्ण आकृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सबका अंतकरण रसराज श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो, इसलिए हम अपनी चित्तवृत्ति को कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कूल पर ले चलें। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि है, मंद सुगंध सुरभि पवन वह रही है, परितहा चंद्रमा का प्रकाश परिपूर्ण रूप से परिपूरित है। श्याम सुंदर के श्री अंग संग का प्रसाद प्राप्त करने के उपरांत भी आज गोपांगनाएं विषाद से परिपूर्ण हैं। एक बार जिसके जीवन में श्री कृष्ण के अंग संग का प्रसाद मिले, उसके जीवन में भी विषाद आए, ऐसा सुनकर के बड़ा चंभों सा लगता है। किंतु इन ब्रजांगनाओं का चित्त आज विषाद से युक्त है, परिपूर्ण है। श्याम सुंदर ने तो अपनी कृपा भरी दृष्टि से, अनुराग भरी दृष्टि से इन ब्रजांगनाओं की सृष्टि को रसीला बना दिया था, रसपूर्ण बना दिया था, आनंदपूर्ण बना दिया था। किंतु ब्रजांगनाओं के चित्त में सौभग मद आ गया और ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर से इनकी दृष्टि हट करके जगत में चली गई। भक्त के जीवन में सबसे बड़ा अपराध यही है कि उसकी दृष्टि परमात्मा से हटकर जगत की ओर जाए। इनकी दृष्टि परमात्मा से हटकर जगत की ओर कैसे गई? इन्होंने अपने सौभाग्य मद का जो संचार इनके जीवन में हुआ है, उसका हेतु यही है कि संसार में जब अन्य स्त्रियों का यह दर्शन करने लगी
अमुक स्त्री इतनी सौभाग्यशालिनी नहीं जितनी हम हैं। ये सौभाग्य जो हमको मिला है, श्री कृष्ण का अंग संग हमको मिला है, ये सौभाग्य दूसरी स्त्रियों को नहीं मिला जगत में, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ विशेषता है। कल मैंने आप सबके सन्मुख एक बात निवेदित की थी, हमारे ठाकुर के दरबार में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही व्यक्ति भी स्वीकार कर लिया जाता है। पतित से पतित व्यक्ति को भी भगवान गले लगा लेते हैं। एक संत तो हमारे गुनगुनाते थे, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। ठाकुर के दरबार में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, उसे हमारे जीवन धन गोविंद स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो स्वीकृत हैं भगवान के श्री चरणों में हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। किस कारण से? अभिमान के कारण। अभिमान हमारे जीवन में परमात्मा से हमें दूर ले जाता है, शांति से दूर ले जाता है, सुख से दूर ले जाता है, अशांति, अभाव, पीड़ा की ओर ये सृष्टि बना देता है, पीड़ा की ओर ले जाता है। श्याम सुंदर ने जब देखा ब्रजांगनाओं के चित्त में सौभग मद आ गया है, तो हमारे ठाकुर कहीं वहां से दूर नहीं गए, समीप में ही उनके जैसे बनकर के अंतरहित हो गए। और जब ब्रजांगनाओं को लगा कि गोविंद मेरे पास में नहीं है, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाहा, इन अंगनाओं ने, ब्रजांगनाओं ने जब देखा कि गोविंद मेरे समीप नहीं है, तो बड़ी विवल हो गई। और विवल होकर रुदन करती हुई पूछती घूमती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी गुलमों से पूछती हैं, और जब किसी से उत्तर नहीं मिला तो विवल होकर के रुदन करने लगती हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव एक वाक्य हरदम बोलते थे, पैसा नहीं मिला हम रो पड़े, संपत्ति नहीं मिली हम रो पड़े, सुविधा नहीं मिली हम रो पड़े, सम्मान नहीं मिला हम रो पड़े। क्या कभी इसलिए भी आंसू आए हैं कि भगवान नहीं मिला? आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, यदि एक बार भी आपके आंसू इसलिए नहीं आए कि भगवान नहीं मिला, तो ये मनुष्य जन्म मिलना व्यर्थ हो गया। भगवान भी ये मनुष्य शरीर प्रदान करके पछता रहे होंगे कि इसीलिए तो मैंने मनुष्य शरीर इसलिए प्रदान किया था कि मेरे पास आ जाए, किंतु या तो हमसे दूर चला गया। कभी हूक उठनी चाहिए, कभी हमारे भी चित्त में प्यास जगनी चाहिए, कभी उत्कंठा आनी चाहिए हमारे जीवन में। हमारे महर्षि कहते थे, उत्कंठा उसका नाम है कि प्राण हमारे कंठ में आकर के लग जाए। कभी कभी पीड़ा उठे कि यही कहूं श्याम का वो कुंजन में फिरत हुई है, यही कहूं श्याम काहू कुंजन में फिरत हुई है, भुज भरी भेटिवे को ही उमगत है। कई बार हमारे हृदय में ये बेचैनी जगनी चाहिए, ये प्यास जगनी चाहिए, ये हूक जगनी चाहिए। हमारे जीवन में अभाव जगे तो सही परमात्मा का, पैसे का अभाव लगता है, संपत्ति, सुविधा, सम्मान का अभाव लगता है। कभी क्या भगवान का अभाव जीवन में खटका है? ऐसा लगा कि ठाकुर हमें मिलने चाहिए, हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति होना परम आवश्यक है, या कभी लगा अपने चित्त में?
हमारे यहां तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जो स्वर्ग नहीं चाहते, न नाक प्रष्टम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, उनको न तो स्वर्ग का राज्य चाहिए न ब्रह्मा का पद चाहिए न रसातल का राज्य चाहिए, कहां तक कहें उनके उनको योग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा, भक्तों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती है, वह मोक्ष चाहते भी नहीं है, वह मोक्ष के कांक्षी नहीं होते हैं भक्त, वह मोक्ष भी नहीं चाहते हैं न कोई सिद्धि चाहते हैं। तो भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हो बताओ तो सही। बोले विरही है कांक्षे, हमें आपका अभाव खटकने लगे। सच में आपको हम कैसे कहें, जो विरह का सुख है वह संयोग में उतना सुख नहीं जितना विरह में सुख है। परमात्मा के विरह में जो अश्रु निकलते हैं उन अश्रुओं पर हम संसार के संपूर्ण सुखों को निछावर करके फेंक सकते हैं। भगवान के विरह में जो अश्रु प्रपात होता है उसका जो रस मिलता है, उसका जो आनंद मिलता है, उसकी जो सुखानुभूति होती है, संसार के किसी भी विषय जन्य सुख में वह सुख नहीं है। इसलिए तो हमारे यहां यह वर्णन है कि हमारे भक्त परवर्षी साईं एक बार इलाहाबाद में गए हुए थे प्रयागराज के दर्शन करने के लिए। एक साधन रुदन करता हुआ नजर आया, विह्वल नजर आया, हमारे शहंशाह विट्ठल साईं ने पूछ दिया क्या बात है तुम रो क्यों रहे हो। उन्होंने कहा हमको वृंदावन की याद आ रही है। तो बोले वृंदावन की याद आ रही है तो वृंदावन जाओ। बोले जाने का साधन नहीं, बोले हम सब व्यवस्था कर देते हैं वृंदावन जाने की। उसने कहा हमको जाना नहीं है। अरे तुम्हें याद आ रही है और जाना नहीं है, बात क्या है। बोले वृंदावन की स्मृति करके जो हमको सुख मिला रहा है रुदन करने में वह शायद वहां जाने पर न मिले। हमारे जीवन में विरह जगे, विरही कांक्षे, और इस विरह का सबसे बड़ा लाभ आप जानते हैं क्या है। हमारा जो मन है, मन का कोई आकार नहीं होता है। मन जिस जिस का चिंतन करता है तदाकार बन जाता है। इसने मित्र का चिंतन किया तो मित्र के आकार का बन गया, दुश्मन का चिंतन किया तो दुश्मन के आकार का बन गया, पत्नी पति पिता परिवार का चिंतन किया तदाकार बन गया, संपत्ति मकान का चिंतन किया तो मकान संपत्ति के आकार का बन गया। जाने कितने आकार हमारे मन के बन गए हैं। और इन सब के आकारों को मिटाकर यदि श्री कृष्ण का आकार बनाना है, सुख का आकार बनाना है, आनंद का आकार बनाना है, उल्लसित रस सिंधु का आकार बनाना है, तो इन आकारों को पिघलाना पड़ेगा। जैसे तांबे से धातु से कोई आकार बन जाते हैं और उन आकारों को मिटाकर यदि दूसरा आकार बनाना हो तो उनको पिघलाना पड़ता है। हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम दृश्यते यथा। तांबे की धातु की कोई आकृति बनी हुई है, कोई खिलौना बना हुआ है, उस खिलौने को मिटा करके यदि आप कृष्ण का आकार देना चाहते हैं, ठाकुर जी का आकार देना चाहते हैं, तो पहले उस खिलौने को पिघलाना पड़ेगा, उस धातु को पिघलाना पड़ेगा, और धातु को पिघलाने से ही दूसरा आकार बनाया जा सकेगा। वैसे ही अपने मन को यदि कृष्णाकार बनाना है
गोविंद का आकार देना है, श्रीनाथ भगवान का आकार देना है, तो हमें भी अपने मन को पिघलाना पड़ेगा। और इस मन को पिघलाने का जो साधन है वह विरह कथा श्रवण ही है, विरह की भावना जगाना ही है। जब तक उनका अभाव आपके चित्त में जगेगा नहीं, तब तक आप उन्हें पाना कैसे चाहेंगे। आज ब्रजांगनाओं के चित्त में ये विरह जगा है और ये गोपांगनाएं विरही बन करके कल आप सब श्रवण कर रहे थे। लताओं से, गुलमों से, औषधियों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पता प्रीतम का पूछती हैं। लगता है कि विरह की दशा में यह बोध नहीं रहता कि कौन ठिकाना बताएगा, कौन ठिकाना नहीं बताएगा। ज्ञान स्वरूप श्री राघव हमारे जब श्रीजू के विरह में विवल होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पक्षी पता बताने वाले नहीं हैं, मृग पता बताने वाले नहीं हैं। तब भी पूछते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, कभी ये तुलसी से पूछती हैं, कभी आम्र के वृक्ष से पूछती हैं, कभी कटहल के वृक्ष से पूछती हैं। और ऐसा चिंतन इनका बढ़ा, ऐसा चिंतन बढ़ा कि इनकी चित्त वृत्ति ऐसे तदाकार बनी। ऐसा चिंतन करते करते इनका चित्त बना कि ये भूल गई कि हम गोपी हैं। सुखदेव जी महाराज इनका दर्शन करते हुए कहते हैं, एक गोपी ने कहा, कृष्णो हम पश्यद गति, मैं कृष्ण हूं, हमारी चाल देखो। कोई गोपी पूतना बन करके कहती है कि मैं पूतना हूं, कोई गोपी अपनी चुनरी को महाराज फहरा देती और कहती है कि ये गिरिराज है, मैंने गिरिराज को उठा लिया है, तुम लोग सब इसके नीचे आ जाओ। ऐसी तदाकार वृत्ति भी बनी है। उसके बाद श्री किशोरी जी के दर्शन हुए हैं इन सब गोपांगनाओं को, और किशोरी जी को ये लेकर के जब खोजना प्रारंभ करती हैं तो पुकारती हैं परमात्मा को, और ये पुकार में इतनी पीड़ा भरी है। किंतु जब पुकार में भी प्रीतम प्रकट नहीं हुए तब ब्रजांगनाएं यमुना के पुलिन पर पहुंचकर गोविंद को पाने के लिए एक गीत गाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोविंद को पाने के लिए गीत नहीं गा रही हैं, ये अपने प्राणों को बचाने के लिए गीत गाती हैं। ऐसा लगा कि यदि अब बोलेंगे नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। और इन गोपांगनाओं ने जो गोविंद को पुकारा है इस गीत में, इसी गीत का नाम है गोपी गीत। कल मैंने निवेदन किया था इसमें 19 श्लोक हैं और ये कनक मंजरी छंद में गाया गया है। कनक मंजरी छंद किसे कहते हैं, जिन्होंने अलंकार पढ़े होंगे उनको स्मरण आ जाएगा। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, जग खाए बहुरात है जग पाए बहुराय। कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। जैसे धतूरे के जो फल में मंजरी होती हैं, उस मंजरी को व्यक्ति यदि खा ले तो उस मंजरी के कारण ही मंजरी में इतना नशा होता है कि यदि थोड़ा अधिक खा ले तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। जैसे व्यक्ति सोना के पाने के बाद अभिमान से पागल हो जाता है, वहां धतूरा खाने से व्यक्ति नशे के कारण पागल हो जाता है, जगत की विस्मृति हो जाती है। वैसे महाराज ये गोपी गीत है, ये गोपी गीत यदि गुनगुनाया जाए तो जगत विस्मरण हो जाएगा। ये बिल्कुल
अनुभूत प्रयोग है। जिसको परमात्मा से राग न हो और संसार से बहुत राग हो और परमात्मा का प्रेम चाहिए, वो गोपी गीत का यदि पाठ करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कृष्ण प्रेम प्रवाहित हो जाएगा, जगत विस्मृत हो जाएगा, जगत की स्मृति नहीं रहेगी। इस छंद की विशेषताएं तो बहुत हैं। हम एक संत की टीका पढ़ रहे थे तो उन्होंने तो ये बताया कि यदि गोपी गीत सही ढंग से किसी को लिखना आ जाए उससे श्री राधा कृष्ण की छवि अपने आप बन जाती है। इसमें ऐसे ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, अगर उन ढंग से अक्षरों को लिखा जाए तो राधा कृष्ण की छवि बन जाती है, ऐसा ये छंद है। और दूसरी बात इसमें ध्यान देने की योग्य है, द्वितीय अक्षर, प्रत्येक चरण का द्वितीय अक्षर एक ही है। जैसे प्रथम श्लोक है जयति तेधिकम जन्मना ब्रजह, इसमें द्वितीय अक्षर यह है। इस श्लोक में आप देखेंगे चारों चरण में या आपको मिलेगा, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, द्वितीय चरण में श्रयत में यकार है, फिर तृतीय चरण में दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाहा, इसमें भी यकार है, और त्वयि धृता सवह त्वाम विचिन्वते, इसमें भी यकार है। ऐसे प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे शरद उदाशय में रकार है द्वितीय अक्षर, तो चारों चरण में आपको द्वितीय अक्षर रकार ही मिलेगा। और भी कई विशेषताएं हैं, सातवां अक्षर भी इसका लगभग मिलता ही है। इस छंद की एक अपनी विलक्षणता है, अपनी वैचित्रता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो स्थान गोपी गीत का है वह अन्य का स्थान नहीं है। मैंने कल निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलोने सरकार का श्री विग्रह है और उसमें से जो दसम स्कंद है वह हमारे सांवरे सलोने सरकार का हृदय है और जो ये रास पंचाध्यायी है ये पंच प्राण है और पंच प्राणों में भी जो विशेष स्थान है वह श्री गोपी गीत का है। गोपी गीत की बड़ी अनोखी महिमा है, आइए हम सब इसका रस स्वादन करते हैं। पहले तो हमारा विचार था कि रोज इसको हम गुनगुनाएंगे गाएंगे, किंतु 20-25 मिनट गाने गुनगुनाने में लग जाएंगे तो समय चला जाएगा। बीच में किसी दिन इसको जरूर गुनगुनाएंगे जिससे सब लोगों को इसके स्वर का पता चल जाए, कैसे भाव से इसको गाया जा सकता है, कैसे मधुर मधुर स्वर इसमें लगे हुए हैं। अभी हम सब भाव राज्य में ही प्रविष्ट होते हैं। ये गोपी गीत का प्रारंभ हुआ है गोप्यः ऊचुः। कल मैंने निवेदन किया था श्री वल्लभाधीश ने और हमारे श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, ये 19-19 प्रकार की गोपी ही मानी है, इसलिए 19 श्लोक हैं इसमें। कई संतों का यह मानना है कि अलग अलग मंडली ने अलग अलग गीत गाए हैं और कई संतों का यह मानना है कि सब ने मिलकर एक साथ ये गीत गाया है, क्योंकि सब एक धरातल में ही विराजमान थी, सबके चित्त में एक जैसा भाव ही उदित हो रहा था, क्योंकि इस समय सब श्याम सुंदर की विरहिणी हैं, श्याम सुंदर को पाना चाहती हैं, श्याम सुंदर के चरणों में सर्वस्व निछावर करना चाहती हैं, तो सबकी एक जैसी दशा है। इनका नाम गोपी है, गोपी उसका नाम होता है जो गोपनशीला है, गोपनशीला माने छुपाने वाली है, प्रेम को जो छुपा दे उसका नाम गोपी है, जो प्रेम को छपाए उसका नाम गोपी नहीं है, प्रेम को जो छुपाए उसका नाम गोपी है। ये प्रेम को ही नहीं छुपाती, परमात्मा को भी छुपा देती हैं।
परमात्मा को क्यों छुपाती हैं ये? क्योंकि परमात्मा स्वयं छुपना चाहता है। अपना प्रीतम यदि छुपना चाहता है तो प्रेयसी का परम कर्तव्य है कि उसे छुपा दे। परमात्मा छुपने के लिए ही गोकुल में आए हैं, परमात्मा छुपने के लिए गोकुल में नहीं आए, छुपने के लिए आए हैं। आप कहेंगे किससे छुपने के लिए आए हैं? कंस से छुपने के लिए आए हैं। हमारे कई संतों ने कहा कि जिस समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल में आए और श्री नंद बाबा ने प्रार्थना की, मूल भागवत में वर्णन है, नंद बाबा ने प्रार्थना की कि आप हमारे लाल का नामकरण कर दीजिए, गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे छोरा के नाम हम नहीं रखेंगे, तुम्हारे लाला के नामकरण हम नहीं कर सकेंगे। क्यों? बोले कंस पाप मति, कंस की बुद्धि पाप से ग्रसित है और पाप से ग्रसित होने के कारण वह यदि उसको पता चल जाएगा कि मैंने आपके लाल का नामकरण किया है तो निश्चित उसको शंका हो जाएगी कि नंद का लाला नंद का नहीं है, ये वसुदेव का है, और वो मारने का प्रयास करने लगेगा, नष्ट करने का प्रयास करने लगेगा। नंद बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके लाल का नामकरण हमने किया है। क्यों पता नहीं चलेगा? आपका लाला करवट बदलता है तो करवट बदलने का आप उत्सव मनाते हो, जन्म उत्सव मनाते हो तो नामकरण का उत्सव नहीं मनाओगे? नंद बाबा ने कहा जिसमें हमारे लाला का कल्याण होता है वही काम करूंगो, ऐसो कोई भी काम ना करूंगो जैसे हमारे लाला को अकल्याण होए। आप नामकरण करके जाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेरे लाला का नामकरण किया है। और नामकरण श्याम सुंदर का जब हुआ तो गौशाला में हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज ने कुछ संदेश दिए कि आप लोग कभी प्रकट मत होने देना कि ये परमात्मा है। यशोदा मैया ने कहा कि आप बाबा बिल्कुल चिंता मत करो, या के कमर में रस्सी बांध करके हम या को उखल से बांध देंगी, परमात्मा क्या कोई सामान्य बालक भी नहीं समझेगा इनको। गोपियों ने कहा मैं इसका ऐसा नाम बिगाड़ूंगी, ऐसा नाम बिगाड़ूंगी कि परमात्मा तो कोई क्या सामान्य मनुष्य कहने के लिए उत्तृत नहीं होगा, इसको मैं चोर कहूंगी, जार कहूंगी, काला कहूंगी, कलूटा कहूंगी, इसके अनेक अनेक नाम मैं रख दूंगी, लोग यही नहीं समझ पाएंगे मनुष्य क्या, मनुष्य नहीं तो परमात्मा क्या हो सकता है। जो गोपियां आज तक परमात्मा को छुपा रही थी, ऐसे ऐसे नाम रख रख करके, ऐसी ऐसी लीला गा गा करके, आज वही गोपियां परमात्मा को छुपाने का काम क्यों कर रही हैं? और दूसरी बात ध्यान देने लायक इसमें एक और भी है, गोभी ही इंद्रिय ही पांति, जो अपने प्रत्येक इंद्री से परमात्मा का पान करती है उसका नाम गोपी है। उसके आंख के विषय श्री कृष्ण हैं, उसके जीव के विषय श्री कृष्ण हैं, उसके त्वग इंद्री के विषय श्री कृष्ण हैं, उसके नासिका के विषय श्री कृष्ण हैं। परमात्मा को जिन्होंने, आज मैं श्री बल्लभाधीश को पढ़ रहा था, हमारा भाव गदगद हो गया। श्री बल्लभाधीश ने कैसा मधुर भाव दिया है, मैं उसका चिंतन करके हृदय भर आया कि परमात्मा इतने साधारण बन जाते हैं। श्री बल्लभाधीश हमारे कहते हैं कि मर्यादा में तो यह मान्य है कि परमात्मा भोक्ता है और जगत भोग्य है, किंतु पुष्टि की विशेषता यह है, पुष्टि में परमात्मा भोग्य बन जाता है और भक्त भोक्ता बन जाता है। ये परमात्मा की विशेषता है, ये पुष्टि की विशेषता है। पुष्टि में परमात्मा स्वयं अपने को भोग्य बना देते हैं और गोपांगनाओं को भोक्ता बना देते हैं, तो मानो
जो गोपियां श्री कृष्ण को आंख से, नाक से, कान से, जीवा से पान कर रही हैं, त्वगिंद्री से पान कर रही हैं, उनका नाम गोपी है। और ये गोपी नारायण कोई विषयी नहीं है, आपको मैं निवेदन कर दूं। गोपी माने होता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम रखा है। गोवी इंद्रिय ही, गोपियां अपने इंद्रियों पर संयम रखती हैं और ऐसा कठोर संयम रखती हैं, ऐसा कठोर संयम रखती हैं कि कोई संसारी व्यक्ति क्या रख सकेगा। ये वो गोपियां हैं जो कहती हैं, बावरी वे अखियां जरी जाएं जो सांवरो छोड़ निहारें गोरो। आप जरा इंद्रियों पर संयम कितना कठोर होगा गोपांगनाओं का विचार कर सकते हैं। ये गोपांगनाएं कहती हैं, ये आंखें अगर सांवरे सलोने सरकार को निहारना बंद करके किसी गौरांग वर्ण वाले को निहारना प्रारंभ कर दें तो इन आंखों में आग लगा दूंगी, इन आंखों को फोड़ दूंगी। और कहां तक कहें नारायण, गोपांगनाओं की और भी रसीली भावधारा में यदि आप बहेंगे तो पाएंगे। गोपियां कहती हैं, जुवा से यदि दूसरो नाम कढ़े, इससे ज्यादा आप अनन्यता और क्या पाएंगे। जुवा से यदि दूसरो नाम कढ़े, जुवा काड़ी हला हल बोरों। अगर इस जीवा से श्री कृष्ण का नाम निकलना छोड़कर किसी और का नाम आने लगे तो उस जीव को काट कर हलाहल विष में बोर दूंगी। ये गोपी हैं, ये अनन्य गोपी हैं जिनके बारे में श्याम सुंदर ने गीता में कहा, अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनाः परिपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अनन्य गोपियां हैं, कृष्ण के अतिरिक्त इनकी मति कहीं गमन नहीं करती है, कृष्ण के अतिरिक्त इनकी कोई चिंतन धारा नहीं है। और आज तक मुझे किसी भी ग्रंथ में कहीं भी या पढ़ने सुनने को नहीं मिला कि किसी गोपी ने कभी किसी की शिकायत की होगी। ये जो शिकायतिया राम होते हैं, ध्यान रखना, बुरा मत मानना आप सब, वो भक्त नहीं हो सकते हैं। शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, इसलिए भक्तों को ये करने की आदत नहीं है। भक्त कभी शिकायती आराम नहीं होता, ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़। आप कभी विचार कीजिएगा, गोपांगनाओं के जीवन में कोई कम संघर्ष नहीं था। अगर संघर्ष की धारा की आपके सामने चर्चा करें तो शायद आप रो पड़ोगे, किंतु कभी श्याम सुंदर से आकर शिकायत नहीं करती कि मेरी सास ने मुझे गाली दी है या मेरे पति ने मुझे ऐसे ऐसे कठोर वाक्य कहे हैं या मेरे लाल ने मेरा ये हाल किया है, कभी नहीं। हां, गोपी को यदि कोई शिकायत है तो श्याम सुंदर से हो सकती है उनकी, कोई फरियाद है तो श्याम सुंदर से है। आज वो गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं। वैसे तो मैं निवेदन करूं ये गोपियां बोलती नहीं, किंतु गोपांगनाओं को लगा कि अब यदि हम बोलेंगी नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, और यदि प्राण निकल जाएंगे तो हमारे प्रीतम को बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि मैं तो मर करके श्री कृष्ण के साथ मिल जाऊंगी, मैं श्री कृष्ण का चिंतन करते करते मरूंगी तो मैं तो श्री कृष्ण के साथ मिल जाऊंगी। किंतु जब श्याम सुंदर के कर्ण कुहरों पर मेरे मरण की ध्वनि आएगी, हमारे महर्षि तो कहते हैं जब कोई आकर इनको बताएगा कि गोविंदा गोप की वधू मर गई, और गोविंदा गोप की वधू इसलिए मरी कि श्री कृष्ण के विरह के कारण मरी, श्री कृष्ण के प्रेम के कारण मरी, तो श्याम सुंदर को पीड़ा होगी। हमारे प्रीतम को कभी पीड़ा न हो, यह गोपांगनाओं के चित्त में सदा ख्याल रहता था। तो गोपांगनाओं को लगा कि नहीं नहीं, हम बोल देंगी तो प्राण बच जाएंगे तो हमारे श्याम सुंदर को पीड़ा नहीं होगी। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग ने
लिखा है कि जैसे बांध में पानी जब ज्यादा आ जाता है तो बांध के रक्षक लोग जानते हैं कि यदि पानी खोला नहीं जाएगा तो ये कहीं न कहीं से अपना स्थान बनाएगा, और जब कहीं न कहीं से अपना स्थान बनाएगा तो बांध टूट जाएगा। उनको लगा कि यदि गोपियों को लगा कि यदि हम अपनी वाणी के बांध को रोक करके रखेंगी तो निश्चित रूप से ये बांध अब टूट जाएगा। और आपने शायद कभी देखा होगा, अभी मैंने पिछले साल श्रावण मास में घटना देखी सुनी, एक सज्जन का बेटा मर गया तो उनके परिवार वाले यमुना किनारे उस बेटे का संस्कार करने के लिए गए। एक ही बेटा था, उनके चाचा आदि सारे परिवार के लोग गए और संस्कार करके उस बच्चे का महाराज ये लोग यमुना में उसकी अस्थियां प्रवाहित कर रहे थे। पता नहीं कैसा हुआ कि संपूर्ण का संपूर्ण परिवार ही यमुना में बह गया और एक वृद्धा बची। उस घर में जब एक वृद्धा बची, सारा परिवार चला गया, उसके बेटे भी चले गए, नाती तो मर ही गया था। वह वृद्धा किसी से कुछ बोलती नहीं थी, उसकी आंखें केवल बरसती थी, जैसे उसको जी भी नहीं थी। तो डॉक्टर लोग कहते थे इसको बुलवाओ, नहीं तो ये कुछ दिन में मर जाएगी, अगर ये बोलेगी नहीं तो कुछ दिन के बाद मर जाएगी, क्योंकि पीड़ा इसके चित्त में बहुत है। कई बार जब हम अपने हृदयगत पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं तो हमारा हृदय हल्का हो जाता है। हमारे महर्षि तो कहते थे जिसके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने वह अपनी सब बात कह सकता हो, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीवन में कोई दूसरा नहीं होगा। हमारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने अपने चित्त की बात कह सके हम। ये व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है? डिप्रेशन में जाने का कारण है कि वह अपने हृदय की बात किसी को कह नहीं पाता है। अगर वह अपने हृदय की बात किसी के सामने कह डाले तो वह निश्चित रूप से हृदय का बोझा उसका कम होगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। आज गोपांगनाओं को लगा कि बोलना ही पड़ेगा, तो जो गोपन शीला थी, जो बोलती कभी नहीं थी, वो गोपियां बोल पड़ी। और महाराज ऐसा रसीला बोली हैं गोपियां ही, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। इस श्लोक का संबोधन है दैत। गोपांगनाओं ने श्याम सुंदर को आज दैत करके पुकारा है। गोपांगनाओं ने बोलना प्रारंभ किया तो श्याम सुंदर को कहती, हे दया सिंधो, हे कृपा सिंधो, हे करुणा सिंधो। ये दैत माने होता है दया सिंधो। आप तो दया के सिंधु हैं, आप तो कृपा के सिंधु हैं, और जो कृपा का सिंधु है, दया का सिंधु है, यदि वो कृपा नहीं करेगा तो कौन कृपा करेगा? सच में हमारे ठाकुर तो कृपा के सागर है। भगवान के दरबार पर कोई साधन से नहीं तरता, कृपा से तरता है। हमारे महर्षि तो बहुत आनंद में जब कई बार होते थे तो बोलते थे, अपने कर्म से हम यदि उतरेंगे पार, अपने कर्म से यदि हम उतरेंगे पार तो तुम करतार काहे को हम करतार।
यदि अपने ही कर्म से हमको पार जाना है, अपने ही साधन से यदि हमको पार जाना है तो तुम्हारी क्या आवश्यकता है। ए ठाकुर, आवश्यकता तो तुम्हारी इसलिए है कि आप कृपा से पार करते हो, दया से पार करते हो। हमारे एक संत हुए वृंदावन में, वो ठाकुर जी को कई बार भाव में सुनाते थे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, किस विद होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के, तुम्हारी ही चाहत के, तुम्हारी ही उल्फत के ये दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आज गोपांगनाओं ने सबसे पहला जो संबोधन श्याम सुंदर को दिया है, दयित हे दया सिंधो, जयति ते धिकम जन्मना। ये ते माने जयति ते है ना, ये जयति ते माने तव, ते का प्राय आप तव से ले लीजिएगा, तव ब्रजम, तव ब्रज। ये जो तुम्हारा ब्रज है ना, ये तुम्हारा जो ब्रज है, ये तुम्हारे जन्म के कारण अधिक जय जय वाला हो रहा है। जब से आप इस ब्रज में जन्मे हो, तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है। ये अधिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है नारायण, अधिक शब्द का प्रयोग जब भी किया जाता है तो सापेक्ष होता है। सापेक्ष माने हम कहें कि इस बच्चे के नंबर अधिक हैं, तो आपका तुरंत प्रश्न होगा किससे अधिक हैं। जब भी कहा जाएगा इसके नंबर अधिक हैं, तो कहा जाएगा किससे अधिक है, बोले राम के हम नंबर अधिक हैं। किससे अधिक हैं, बोले श्याम से ज्यादा हैं। ऐसे ही ये अधिकम जयति का अभिप्राय क्या है, किससे अधिक जय जयकार हो रही है। ब्रज की जय जयकार तो हो रही, अधिकम जयति अधिक जय जयकार हो रही है। तो हमारे वैष्णव सिद्धांत में जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है उसका नाम वैकुंठ है। राम को मानने वाले लोग साकेत कह देते हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले लोग गोलोक कह देते हैं, नारायण का भजन करने वाले वैकुंठ कह देते हैं, भगवान शंकर का चिंतन करने वाले कैलाश कह देते हैं। तो वैष्णव सिद्धांत के आधार पर सबसे श्रेष्ठ है वैकुंठ। वैकुंठ का नाम जहां किसी प्रकार की कुंठा न हो, किसी प्रकार की पीड़ा न हो, किंतु उस वैकुंठ से भी ज्यादा ब्रज की जय जयकार है। क्यों भाई, ब्रज की जय जयकार वैकुंठ से ज्यादा कैसे है? बात यह है कि जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी, याद रखना वैकुंठ में हमारे नारायण की नहीं चलती है, वैकुंठ में लक्ष्मी महारानी की चलती है। लक्ष्मी महारानी कहेंगी सो जाओ तो सो जाएंगे, जग जाओ तो जग जाएंगे। ये जो जय विजय को भी निकाला गया, ये भी निकाला गया लक्ष्मी के कहने पर ही, इधर वहां से वैकुंठ से। हमारे महाराज श्री तो सुनाते थे, कई बार रस में होते थे कि एक बार लक्ष्मी जी शॉपिंग करने के लिए गई थी, माल खरीद करके लाई, और जब तक आई तब तक नारायण योग निद्रा में सो गए थे। तो जय विजय पहरेदारों ने देख लिया कि भगवान को तो निद्रा आ गई है,
और ये बाजार से आई हैं, अभी कुछ बात बोलेंगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी को कहा कि अभी अंदर मत जाना, प्रभु सो रहे हैं, बाहर बैठो, अंदर नहीं जा सकती हो। याद रखना, जो ड्राइवर आदि होते हैं, जो मालिक के मुंह ज्यादा लग जाते हैं, वो मालकिन को कुछ नहीं समझते। मालकिन कहेंगे गाड़ी लेकर के आ जाओ, तो ड्राइवर कहेगा बाबूजी से कह देना, बाबूजी कहेंगे तब आएंगे। मतलब तुम्हारी गिनती किसी नंबर में है ही नहीं। जब तक स्वामी न कहें तब तक स्वामिनी की सुनी न जाए। तो जय विजय ने कहा कि तुम लोग बैठो यहीं पर। लक्ष्मी जी को सेवकों को कहा उनके, तुम यहीं बैठो, अभी अंदर मत जाना। जय विजय ने नहीं जाने दिया। और जब भगवान की निद्रा खुली तो लक्ष्मी जी गई और जाकर नाराज होने लगी कि ऐसे नौकर रखे हो कि मेरे कोई घर में नहीं आने देते, अभी इसी समय इनको निकालो यहां से। हमारे महाराज जी तो कहते थे, नारायण ने कहा बड़े प्रेम से, महारानी नाराज मत हो, मैं निकालूंगा सही, आपकी आज्ञा सिर माथे है, किंतु यदि आपके कहने से अभी निकाल देंगे तो कलयुग में बेचारे नौकरों की बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि रोज स्वामिनी नौकरों को फेल करेंगी और रोज निकाले जाएंगे, तो क्या किया जाए। बोले देखो, दोनों काम बन जाएंगे, नौकरों को भी निकाल देंगे, हमारा नाम भी बढ़ जाएगा। अभी आने वाले हमसे मिलने के लिए संत, और ये संतों का अपमान करेंगे तो हम इनको निकाल देंगे, लोग कहेंगे देखो संतों को कितना भगवान चाहते हैं कि अपने सेवकों को निकाल दिया, हमारा भी नाम हो जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। भगवान भी बड़े महाराज जुगाड़ू हैं जी। वहां पर तो महाराज ये लक्ष्मी जी आकर के श्रेष्ठ सेवा करती हैं, सदा सर्वदा सेवा में लगी रहती हैं। रमा क्रीड बभू नृप, नंदुस्सो में ही ये बात कह दी गई है, जो भागवत पढ़ते सुनते हैं। नंदुस्सो में 18 श्लोक हैं, उन 18वें श्लोक में ये श्लोक बड़ा रसपूर्ण है कि रमा क्रीड बभू नृप आकर के, क्योंकि भगवान की दो पटरानियां हैं, एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। भगवान जब भूदेवी के यहां आते हैं तो श्रीदेवी सेविका बनकर के आ जाती हैं, और मानो ब्रज में आकर के तो यह दिखाती हैं कि हम आपके चरणों में हैं, सदा सर्वदा आप मेरा भी स्मरण रखिएगा, कभी मेरी भी स्मृति रखिएगा। तो इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है, तव ब्रजम अधिकम जयः, अधिक जय को प्राप्त हो रहा है ये ब्रज आपका, अधिक जय जयकार की ओर प्राप्त हो रहा है। और दूसरी बात और भी ध्यान देने की है, ये ब्रज की विशेषता क्या है, बैकुंठ से अधिक यदि आप ना भी लो तो जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थ राज प्रयाग बोलते हैं। तो प्रयाग राज एक बार वृंदावन से कहा कि ब्रज से कहा कि तुम कर दो हमको, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं सब प्रयागराज को कर देते हैं, इनकम टैक्स जो बोलते हैं वो कर देते हैं, किंतु ब्रज ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, और कई वर्षों से कर इस ब्रज ने नहीं भरा। तो जब कर नहीं भरा तो प्रयागराज ने भगवान के पास अपना मुकदमा चलाया, और जब इस मुकदमे का नंबर आया तो तीर्थ वर प्रयागराज भी वहां विराजमान थे, बोले तीर्थों में ब्रज भी यहां करके समुपस्थित हो, ब्रज भी आए। तो जब ब्रज बुलाया गया वहां तो कहा क्यों कर नहीं देते हो, तो हमारे ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा तीर्थवर को कि तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है, आप तीर्थ के राजा हो, हमारे घर के राजा नहीं हो, ये ब्रज हमारा ठाकुर जी का घर है। इसलिए हमारे महर्षि ने तो ते कार्थ तव किया है, तव ब्रज आपका ब्रज। देखो संबंध की बड़ी महिमा है, संबंध की महिमा कैसे है। एक अनपढ़ गमार स्त्री जो गांव में रही हो, कभी कोई पढ़ाई न की हो, कोई उसने डिग्री प्राप्त न की हो,
यदि वो डॉक्टर की पत्नी बन जाती है तो डॉक्टराइन अपने आप हो जाती है कि नहीं हो जाती? डॉक्टर साहब तो बेचारे पढ़ पढ़कर डिग्री प्राप्त किए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी तब उनको महाराज डिग्री मिली, और वो पत्नी बनते ही डॉक्टराइन बन गई, उसको ना कोई डिग्री लेनी पड़ी ना कुछ करना पड़ा। तो ये संबंध की महिमा है कि नहीं है? ऐसे ही ब्रज का संबंध जो ठाकुर जी के साथ में हो गया, याद रखना, तो उसकी महिमा बन गई। स्वामी को गुलाम होत है, गुलाम को गोत गोत। इसलिए महाराज जो स्वामी का गोत्र होता है ना, वही गोत्र महाराज गुलाम का हो जाता है। हमारे जितने वैष्णव जन है ना, वैष्णव जन से पूछो आपका, हमारे वैष्णव के मैं पूछता हूं कि आपका गोत्र क्या है, बोले मेरा गोत्र अच्युत है। अरे जो ठाकुर जी का गोत्र है वो हमारा गोत्र है, हम ठाकुर जी से अलग हैं क्या? इसलिए महाराज जिसका संबंध ठाकुर से बन गया, और महाराज उसकी महिमा बढ़ गई। क्योंकि स्वामी के संबंध से मैं तो कई बार देखता हूं, मैं तो महाराज दंग रह जाता हूं, संबंध की क्या महिमा होती है, इससे बड़ी महिमा और संबंध की आप क्या देख सकेंगे। जाने कितने नाले, दिल्ली के जाने कितने नाले वो आकर श्री यमुना मैया में गिरते हैं, तो सबके सब नाले यमुना मैया में आकर यमुना मां बन जाते हैं कि नहीं? कोई उनका नाम गंदा नाला नहीं रखता है। जो यमुना मैया में मिले, यमुना मां तुम्हें मिले, वो तो कृपामयी है। जो महाराज उनमें मिले, मिलते ही सारे के सारे नाले यमुना रूप हो जाते हैं। तो इस संबंध की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। गोपियां कहती हैं आपके संबंध के कारण ते अधिकम जन्मना ब्रज, आपका ये जो ब्रज है, आपका ब्रज तव ब्रज अधिकम जयति, ये आपका ब्रज अधिक जय जयकार को प्राप्त हो रहा है। ये दैत यदि आपके संबंध से इस ब्रज की जय जयकार होती है तो मैं भी तो तावकाहा, ये भी हमारा तावकाह बहुत रसीला प्रयोग है। तावकाह माने हम भी तुम्हारी हैं। सच में हम तो बार बार कहते हैं कि ठाकुर हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। एक बार हुआ यदि हंस कह के कह दें कि तुम हमारे हो, काम बन गया, हम भी तुम्हारी हैं। यदि इस ब्रज का आपसे संबंध है तो हमारा भी संबंध आपसे है, हम तुम्हारी हैं। हे दैत दृश्यताम प्रत्यक्षी भूताम भूयताम, हम तुम्हारी हैं इसलिए आप कृपा करके प्रत्यक्ष हो जाओ ना, हमारे दृष्टि के विषय बन जाओ ना। जैसे कोई माली डाली डाली से पुष्प चयन करता है, जैसे कोई माली डाली डाली से पुष्प चयन करता है, वैसे मैं तुम्हें खोज रही हूं। तो ही धृता सवह त्वाम विचिन्वते, मैंने अपने प्राणों को आप में स्थापित कर दिया है, अर्थात हमारे शरीर में अब हमारे प्राण नहीं है, आपके प्राण हैं। अगर आपके प्राण न होते तो अभी तक हम मर गई होती। और ठाकुर जी ने यह स्वीकार किया है नारायण उद्धव ब्रज गमन में। श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा गोपियों से आपका संबंध क्या है, तो श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं से ठाकुर जी कहते हैं ता मन मनस्काहा मत प्राणाहा मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, हमने अपने प्राणों को आप में समर्पित कर दिया है। तो ही धृता सवह, तुम्हारे में हमारे प्राण अर्पित हो गए हैं। हमारे महर्षि ने तो एक इतना रसीला अर्थ किया है इसका। गोपियां कहती हैं जीवन धन हे दैत हे कृपा सिंधो, हम कई बार मूर्छित हो जाती हैं, और मूर्छित हो जाती हैं तो यमराज के सेवक आते हैं और हमारे पूरे शरीर में
प्राणों को खोजते हैं कि गोपियों के प्राणों को लेकर के हम चले जाए, किंतु उनको हमारे प्राण मिलते ही नहीं है। अगर यमराज के सेवकों को हमारे प्राण मिल गए होते तो हम मर गई होती। मानो जो श्याम सुंदर छुपे हुए, उन्होंने कह दिया तुम्हारे प्राण कहां गए जो मिलते नहीं धर्मराज के सेवकों को। बोले तुई धृता सवाहा, वो प्राण तुम्हारे में अर्पित हो चुके हैं। प्राण तुम्हारे में अर्पित होने के कारण वह मिल नहीं पा रहे हैं। हम पत्ते पत्ते में तुम्हें ढूंढ रही हैं, जगह जगह पर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हे श्याम सुंदर, हे जीवन धन, आप प्रकट हो जाओ। ऐसी ब्रजांगना गोविंद से बारंबार प्रार्थना कर रही हैं। यमुना के पावन पवित्र पुलिन में शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में ब्रजांगनाएं गोविंद को पाने के लिए अपने हृदय के भाव गोविंद के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हुए कहती हैं, शरद उदासये साधु जात सत सरसि जो दर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह किम बध। इस भाव पुष्प में ब्रजांगनाओं ने श्याम सुंदर के लिए एक संबोधन दिया है, सुरत नाथ। सुरतनाथ का सीधा साधा अर्थ तो जो रति प्रदान करने वाले हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, उनका नाम सुरतनाथ है। कल मैं इसके भाव के गंभीरता की ओर दर्शन आपका कराऊंगा। अभी तो श्लोक के केवल भाव भंगिमा पर ही आप ध्यान दें। गोपांगनाएं कहती हैं, सुरतनाथ, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तब तेकार्त तव है, तव अशुल्क दासिका, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। जैसे कोई सेविका रखी जाती है तो महीने में पगार दी जाती है उसको, इतने रुपया महीने आपको पगार मिलेगी, किंतु जो हम आपके चरणों की अनुरक्त बनी हैं, तो आपने हमको खरीदा नहीं है, कोई शुल्क दिया नहीं है, हम बिना मोल की आपके चरणों की दासी हैं। मानो इनके अंतकरण में बैठे हुए श्याम सुंदर ने पूछ दिया कि हमने तो तुम्हें दासी बनाया नहीं, तुम कब दासी बन गई। तो गोपांगनाओं ने अपनी बात रखी है, शरद उदासये साधु जात सत। जैसे शरद ऋतु में सरोवरों के मध्य में कमल विकसित होता है, उस कमल के पराग का अपहरण जैसे कोई भ्रमर कर लेता है, वैसे ही आपने हमारे मन का अपहरण कर लिया है। जैसे देखा जाए जो सरोवर के मध्य में विकसित कमल है वह कितना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित है। पहले तो जल का परकोटा है, जल के मध्य में है, कोई सामान्य व्यक्ति तो जा भी नहीं सकता वहां पर। और उसके बाद कमल में पराग जो भरा हुआ होता है वो कोई ऐसे छलकता हुआ नहीं होता है, वह तो मकरंद है, उसका पंखुड़ियों के अंदर कई पंखुड़ियां लगी रहती हैं, उसके अंदर वह होता है। किंतु ये चतुर भ्रमर गुनगुना करके उस पराग को प्रकट करके पी लेता है। वैसे आपने हमारे मन का अपहरण किया है,
मीठी मीठी बातें करके, रस भरी बातें करके, अनुराग राग में रंग करके हमको बार बार लुभाया है। और सच कहें मोहन, मुझे पता स्वयं नहीं चला कि कब हमारा मन तुम्हारा हो गया। सही देखा जाए तो मैंने मन कोई आपके चरणों में दिया ही नहीं, हमारा मन ही आपका हो गया। आपकी चाल, आपकी मुस्कान, आपके बोलने का ढंग, आपके चलने का ढंग, इठलाकर बोलने का ढंग, अपने घुंघराले बालों को लहरा करके चलने का ढंग, इन सब क्रियाओं से हमारा चित्त आपके चरणों में चला गया और हम आपकी बिना मोल की दासी बन गई। सुरतनाथ, एक निवेदन करूं, जो पगार लेकर सेवा करते हैं तो पगार देने के बाद अपना दायित्व तो समाप्त तो हो जाता है, क्योंकि वो पगार के लिए ही सेवा करते हैं, उनका स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। किंतु जो बिना पगार के, बिना शुल्क के सेवा करते हैं, उन सेवकों का ध्यान रखना स्वामी का परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि वहां पगार के लिए, संपत्ति के लिए सेवा नहीं करते हैं। तो कन्हैया, मैं निवेदन करूं, आज तक तो मैंने आपसे कुछ भी मांगा नहीं है। जब से मन हमारा तुम्हारे चरणों में समर्पित हुआ है, तब से आपके सुख के अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं मांगा। हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, तुमसे कुछ चाहती नहीं है। और ये कौन सा प्रयोग है जो आपसे प्रेम करता है उसको एकांत में बुला करके, उसका कुल परिवार ममता सब छुड़ा करके उसका वध कर देना। बरध निघ्न तो नेह किम बध, नह किम बध, या क्या मारने की प्रणाली नहीं है? मेरे मां नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, परिवार नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, किसी पर कोई अधिकार नहीं, सब कुछ आप पर निछावर हो चुका है। अब आपको लगता है कि हमारे प्राण ही आपको कष्ट दे रहे हैं, तो हमारा वध कर दीजिए। किंतु यह वध करना ठीक नहीं है। इस प्रकार से अपने प्रेमी जनों को रुलाना ठीक नहीं है। हमारे एक संत कहते थे, जिसे इस जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे इस जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। तो मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो उस दिल की बेकली का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। अगर आप वध करना ही चाहते हैं तो हम तैयार हैं। किंतु श्याम सुंदर, यह समझ में नहीं आया हमको, आप तो सुरतनाथ हो, आप तो रसिक हो, आप तो रस के गुणक ग्राही हो। मुझे पता है कि कोई भ्रमर यदि पराग का अपहरण करता है तो उस कमल को नष्ट नहीं करता। वह कब उससे पराग लेकर चला गया? पराग विहीन कमल है या शायद भ्रमर के अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं होगा। भ्रमर को पता होता है कि अब इसमें पराग नहीं रहा,
तो कम से कम वो भी कमल को नष्ट तो नहीं करता है। वह रसग्राही कमल को नष्ट नहीं करता है, कमल को नहीं भ्रष्ट करता है। और आप ऐसे सुरतनाथ हो कि हमारा सर्वस्व लेकर के, सर्वस्व अपहरण करके आप हमें मार देना चाहते हैं, या अकेले में लेकर के आ जाना और नृत्य करते करते मध्य से चले जाना, दुनिया में सबसे नाता छुड़ा करके अपना बना करके वन में भटकाना, ये कौन से प्रेम की नीति है? अच्छा, यदि आपको हमारा मरण ही पसंद था तो हमारे जीवन में जाने कितने बार मृत्यु आई। जब से सुध संभाली है तब से मृत्युओं की चर्चा मुझे याद है। विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद, वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद। काली नाग को यदि आप नहीं निकालते तो काली हृद का जो जल था वह इतना जहरीला हो गया था, कभी न कभी हमारे बच्चे जाकर वहां मर जाते। और बच्चे यदि वहां मर जाते और हमें सूचना मिलती कि हमारे बच्चे मर गए हैं, तो बच्चों से राग था तो निश्चित रूप से हम भी वहीं मर जाती। किंतु काली नाग को हृदय से निकाल करके जहर विहीन बना देना, ये हमको मृत्यु से दूर ले जाना है, अमरता की ओर ले जाना है। हमारे सारे के सारे बच्चे उस ब्याल के मुख में प्रविष्ट हो गए थे, अघासुर के मुख में मूर्छित तो हो गए थे। और आप दौड़कर जाकर के उसके मुख में प्रविष्ट होकर के आपने हमारे बच्चों की रक्षा कर ली, हमारी रक्षा कर दी। श्याम सुंदर, वो दिन भी हमें भूला नहीं है जिस दिन इंद्र हम लोगों से कुपित तो हो गया था और मूसलाधार वर्षा बरस रहा था, बिजली तड़प रही थी, ये सारा का सारा ब्रज डूब जाने वाला था। श्री गिरिराज जी महाराज को आप नहीं उठाते तो निश्चित रूप से हम सब ब्रजवासी यहीं डूब करके मर जाते, हम गोपियों का वहीं प्राणांत हो जाता। आपको यदि मरण ही हमारा पसंद था तो हम मर जाती, तुमने बचाया क्यों? कई लीलाएं तो भविष्य की लीलाओं पर भी इन्होंने अपनी दृष्टि डाली है। आपने उस वृषभ से हमारा रक्षण किया, विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। आपने बार बार विश्वतो भयात माने परिता विश्वतः, चारों तरफ से हमारे जीवन में मृत्यु ने आघेरा था, चारों तरफ भय ही भय था, किंतु आपने बार बार हमारी रक्षा की, मुहुर मुहुर रक्षा की, बार बार रक्षा की। क्या इसीलिए आपने रक्षा की कि बाद में इनको तड़पा तड़पा करके हम मारेंगे? हे जीवन धन, आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप शीघ्र प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न हो करके अपना दीदार कराइए, अपना दर्शन कराइए। मैं जानती हूं कि मैं अपराधिनी हूं, किंतु अपराधी पर कृपा करना ही तो आपका काम है। आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। गोपांगनाएं इस प्रकार विह्वल होकर के गोविंद को पुकारती हैं और गोविंद इन सब के भावों को बैठकर श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि गोविंद इनसे दूर नहीं है। सच में हम सब भी गोपी भावापन्न होकर के ऐसा लगे कि हम सब गोपी हैं और गोविंद के चरणों में ये भाव अपने व्यक्त करें, तो जैसे गोपांगनाओं को गोविंद ने दीदार कराया है, अपना अंग संग प्रदान किया है, अपना रास रस का आस्वादन कराया है गोविंद ने, तो आज भी वह गोविंद अपने भक्तों को रसस्वादन कराते हैं, अपने
शियंग का दान दे करके भोक्ता नहीं भोग्य बन जाते हैं। यही गोविंद की एक विलक्षणता है, यही गोविंद की कृपा है, यही गोविंद की करुणा है, यही दया है। युगोपांगनाएं और भी कैसे कैसे भावों को अभिव्यक्त करती हैं, उन सब भावों को आपके सामने क्रमशः मैं रखूंगा। आप ठीक समय से आए। कल मैं चर्चा कर रहा था, ये 2 घंटा समय कम लगता है, तो हमने कहा यदि वैष्णव जन का मन हो तो ये 4:30 से रखा जाए, तो 4:30 से यदि रखा जाएगा तो 5 बजे तक ये स्तुति पाठ हो जाएगा, उसमें गोपी गीत का भी पाठ कर सकेंगे और 2 घंटे कथा का आनंद मिलेगा। अभी तो 1.5 घंटा ही मिल पाया। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताओ, ये 1.5 घंटा आपको पता चला कि कब बीत गया? ये रस की कथा ऐसी है कि 2 घंटे नहीं, हम आपको 4 घंटे भी अनवर सुनाएं तब भी आप तृप्त नहीं होंगे। ये प्रेम की चर्चा में तृप्ति और प्यास दोनों हैं। रसोत्पत्ति तो होती ही है, तृप्ति न मिले तो व्यक्ति के जीवन में बढ़ने की ओर अग्रसित होने की क्षमता ना आए, और प्यास बनी रहती, इसलिए ऐसा लगता है और मिले और मिले। तो गोपियों के जो रसीले भाव हैं, इतने रसवर्षी हैं, रस प्रदान करने वाले हैं, जीवन को रसीला बनाने वाले हैं, अपने जीवन धन गोविंद के चरणारविंदों में हमारी यही प्रार्थना है। श्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के ही पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। अब कल का समय तो अभी तो निर्धारण हुआ नहीं है, हमारी ये राजेश भाई पूछ लेंगे यहाँ के व्यवस्थापकों से, फिर कल हम सूचना दे देंगे। कम से कम 2 दिन आप ज्यादा लाभ ले सकोगे, पहले मैं बताना भूल गया, नहीं तो ये पहले से पूछ कर रखते तो हम सूचना दे देते। अभी आप लोग एक भजन संकीर्तन का आनंद लीजिए और फिर श्रीनाथ भगवान के दर्शन हवेली में करते हुए, गोवर्धन नाथ भगवान के दर्शन करते हुए आप सब पधारेंगे। बहुत दिव्य स्थान है ये, यहाँ हमारे कई संतों ने, हमारे आराध्य गुरुदेव ने तो कई वर्षों तक रस वर्षा की ही है, और भी कई अनेकानेक संतों ने, पुष्टि मार्ग के संतों ने इस धाम को पवित्र बनाया है। इस धाम में ही अपना रस है, अपना माधुर्य है, इसलिए मुझे तो लगता है कि यहाँ आने के बाद भी चित्तवृत्ति अपने आप शांत होती है, तो आप जरूर इस सब का आनंद लीजिएगा। यहाँ तो डबल लाभ है, भगवान के दर्शन का भी लाभ है और भगवान की कथा भी श्रवण करने का लाभ है, तो ये लाभ अवश्य आप सब लेंगे। अब सब हम एक भजन का आनंद लें, उसके बाद दर्शन का आनंद लें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंद ना राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल गोपाल
का क्या रस का जस का, वह पाएगा क्या रस का चस का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरे कृष्ण इसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो, ब्रज धूल लपेट कलेवर में, ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, प्यारे नंदलाल नंदलाल निहार लिए जब ते, नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह नगे हम संवारन दे, धर धीरज बोल उठी वरनी पद, नीरज की रज झारन दे, पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे, पल के कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे, मन में है बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करो, कान्हायू मत जानियो, कान्हा यूं
जानियो तो बिछुड़े मोहे चैन कान्हायू मत जानियो तो बिछुड़े मोहे चैन जैसे जलविन माछली तुम्हें तड़पू जैसे जल बिन माछड़ी तुम्हें तड़पू दिन रे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद ताली बजाते हुए गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद आप सभी भक्तों को कल का जो समय बताया गया है वो 4:30 बजे से तो आप कृपा करके 4 बजे पधारेंगे तो आधा घंटे आप ठाकुर जी के संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।